नमस्कार, आप देख अनुदेश न्यूज़। आज की बड़ी खबर, वैसे स्कूल में हर स्तर पर होगा बड़ा सुधार। साथियों, यहाँ पे एक बड़ी खबर सोशल मीडिया के माध्यम से वायरल हो रही। वैसे शिक्षा मंत्री जी ने वर्तमान स्थिति को समीक्षा कर और आगामी कार्य योजना पर चर्चा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। लखनऊ बेसिक शिक्षा निदेशालय सभागार में महानिदेशक बेसिक शिक्षा श्रीमती अनामिका सिंह, विशेष सचिव श्री अवधेश तिवारी समेत विभाग के उच्चाधिकारियों के साथ बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह जी ने वर्तमान स्थिति की समीक्षा कर वार्ता की है। आज बेसिक शिक्षा मंत्री आदरणीय संदीप सिंह जी ने लखनऊ बेसिक शिक्षा निदेशालय सभागार में महानिदेशक बेसिक शिक्षा श्रीमती अनामिका सिंह जी, विशेष सचिव श्री अवधेश तिवारी जी समेत विभाग के उच्च अधिकारियों के साथ वर्तमान स्थिति की समीक्षा कर और आगामी कार्य योजना पर चर्चा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं, जिसमें जूनियर एडिट भर्ती जल्द पूरी होने की उम्मीद, टेट का रिजल्ट 9 अप्रैल को आने की उम्मीद, नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती मई के लास्ट या जून में आने की उम्मीद है। यहाँ पर ट्वीट किया है संदीप सिंह जी ने स्वयं अपने ट्विटर अकाउंट से। माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के शुभ निर्देशानुसार आगामी शैक्षिक वर्ष की कार्य योजना तय करने के लिए आज लखनऊ बेसिक शिक्षा निदेशालय सभागार में महानिदेशक बेसिक शिक्षा श्रीमती अनामिका सिंह, विशेष सचिव श्री अवधेश तिवारी समेत विभाग के उच्च अधिकारियों के साथ वर्तमान स्थिति की समीक्षा और आगामी कार्य योजना पर चर्चा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। ये उन्होंने स्वयं ट्वीट किया है, फोटो भी अपलोड किए हैं कार्यक्रम के। देखें ये खास रिपोर्ट। प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा श्री अनामिका सिंह जी एवं आज इस प्रांगण में उपस्थित सभी हमारे प्यारे छोटे छोटे बच्चों, आप सभी का मैं अपने हृदय से वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, हृदय से सभी का स्वागत करता हूँ। विद्या ददाति विनयम्, विनयत् यति पात्रताम्। पात्रत्वात् धर्म प्रवृत्ति धन्य धर्म तथा सुखम्। अर्थात विद्या यानी ज्ञान से हमें विनम्रता प्राप्त होती है और विनम्रता से हमें योग्यता प्राप्त होती है और योग्यता से हम धन को प्राप्त करते हैं और धन से हम धर्म के कार्य करते हैं, जिससे हमको सुख की प्राप्ति होती है। अगर मैं शिक्षा का महत्व की बात करूं तो शिक्षा हमारे जीवन में उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना हमारे जीवन में हमारे लिए श्वास लेना। हम अपने जीवन की कल्पना बगैर शिक्षा के नहीं कर सकते। इसीलिए आज हम सभी उत्तर प्रदेश के बच्चे बच्चे तक शिक्षा की मूलभूत सुविधा को पहुंचाने के लिए आज इस अभियान को प्रारंभ कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों के द्वारा स्कूल चलो अभियान का आज से लेकर के 4 अप्रैल से लेकर के 30 अप्रैल तक इस अभियान को चलाया जाएगा। इस अभियान के माध्यम से हम सब जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, जितने भी शिक्षक गण हैं, सभी गांव गांव घर घर तक जाकर के जितने भी हमारे नौनिहाल इस शिक्षा व्यवस्था से अभी अछूते हैं, इस व्यवस्था से उनको जोड़ने का कार्य करेंगे। क्योंकि हर एक बच्चे का हक है कि उसको बेहतर से बेहतर शिक्षा मिले और आज हमारी सरकार पिछले 5 वर्ष के कार्यकाल में जहां हमने देखा 2017 से पहले की अगर मैं बात करूं तो उस 5 वर्ष के कार्यकाल में 2012 से 17 तक जो हमारे परिषदीय विद्यालय थे उनमें छात्रों की संख्या में लगातार गिरावट थी। 21 लाख छात्र 5 वर्ष में गिरावट आई। और अगर 2017 से 2022 की मैं बात करूं तो माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उनसे प्रेरणा लेते हुए इस विभाग ने बच्चों के लिए बेहतर सुविधा मुहैया कराने का कार्य किया।
जहां बच्चे मूलभूत सुविधाओं के अभाव के कारण विद्यालयों को छोड़ रहे थे, वही 5 वर्षों में 22 लाख छात्रों ने 2017 से 22 तक हमारे परिषदीय विद्यालयों के माध्यम से शिक्षा व्यवस्था से जुड़ने का कार्य किया। आज इस ग्राफ, जो ग्राफ नीचे की तरफ गिर चला था, इसको हम ऊपर की दिशा में लेकर के जाने के आज हम सब लोग सफल हुए। इसीलिए हम सब एक बार फिर से, जहां 2 वर्ष के कार्यकाल में कोरोना के काल में सभी जितने भी परिषदीय विद्यालय थे, पठन पाठन का कार्य ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से चल रहा था, आज फिर से सभी परिषदीय विद्यालय खुल चुके हैं और इस अभियान के माध्यम से आज हम सब पूरे प्रदेश भर में एक नई ऊर्जा के साथ अपने शिक्षा विभाग को एक नई ऊंचाइयों तक लेकर के जाने के लिए कृतसंकल्पित। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारी सरकार में पिछले 5 वर्षों में हर एक बच्चे तक स्कूल में जूते, मोजे, कॉपी, किताब, बुक्स, हर एक व्यवस्था निशुल्क मुहैया कराने का कार्य किया गया। डीबीटी के माध्यम से हमारे जितने भी अभिभावक हैं, उनके खाते तक पैसों को पहुंचाने का कार्य किया गया। पूरी पारदर्शिता के साथ आज हमारी सरकार हर एक वर्ग, हर एक समाज के बच्चे तक बेहतर से बेहतर शिक्षा पहुंचाने के लिए कृतसंकल्पित, चाहे वह दिव्यांग बच्चों की बात हो, जो पूर्ण रूप से दिव्यांग बच्चे हैं उनके लिए ब्रेल पुस्तकें, एनलार्ज पुस्तकें, विभिन्न तरह के जितने भी उपकरणों के माध्यम से हमारे जितने भी दिव्यांग बच्चे हैं उनको लाभान्वित किया जा रहा है। आज हमारा लक्ष्य है कि जितने भी परिषदीय विद्यालय हैं, हम सभी विद्यालयों को एक बेहतर शिक्षा व्यवस्था से जोड़ने का कार्य करें। उत्तर प्रदेश के हमारे 15,000 परिषदीय विद्यालय हैं, जिनमें इंग्लिश मीडियम के माध्यम से कोर्स को चलाया जा रहा है। इंग्लिश की पाठ्य पुस्तकें 15,000 विद्यालयों तक इस कार्यक्रम को चलाया जा रहा है और भी आने वाले 5 वर्षों में इसके बेहतरीकरण के लिए हमारी सरकार के द्वारा कार्य किया जाएगा। हमने लक्ष्य लिया है कि जितने भी हमारे परिषदीय विद्यालय, हर एक विद्यालय तक पेयजल की, स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था पाइपलाइन के माध्यम से, हमारा लक्ष्य है कि हम हर एक सरकारी परिषदीय विद्यालय तक पेयजल की व्यवस्था पहुंचाए। हमने लक्ष्य लिया है कि 25,000 इस वर्ष परिषदीय विद्यालयों को हम सब फर्नीचर की सुविधा से जोड़ने का कार्य करेंगे। हमारा लक्ष्य है कि हम इस वर्ष 21,000 से भी अधिक परिषदीय विद्यालयों को स्मार्ट क्लासरूम के माध्यम से जोड़ने का कार्य करेंगे, क्योंकि आज हमारे अभिभावक भी जागरूक है और हमारा छात्र भी जागरूक। जैसा कि मैंने कहा कि बिना शिक्षा के हम कभी अपने भविष्य की कल्पना नहीं कर सकते। एक शिक्षा ही ऐसा मात्र हमारे पास ज्ञान है तो हम हर एक चीज को अर्जित कर सकते हैं। इसीलिए आज हमारे बेसिक शिक्षा विभाग में, यह विभाग मेरे पास पहले भी था और एक बार फिर से इस विभाग से मुझे जुड़ने का अवसर मिला है। मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि जीरो टॉलरेंस नीति, जिसके अंतर्गत हमारी सरकार कार्य करती है, योग्यता के आधार पे हमारे विभाग से लोग जुड़े और बिना किसी भ्रष्टाचार के और बिना किसी भेदभाव के हम अपने विभाग को एक नई ऊंचाइयों तक लेकर के जाने का प्रयास करेंगे। आज हम सब इस कार्यक्रम के माध्यम से यहां पे एकत्रित हुए और यह कार्यक्रम 1 महीने तक चलने वाला है। मेरा सभी से अनुरोध है कि हम सब अगर एक्टिवली इस कार्यक्रम में भाग लेंगे, तो जो हमने इस बार लक्ष्य लिया है, अभी तक हमारे परिषदीय विद्यालयों में लगभग 1,73,00,000 छात्रों को अब तक हम अपने बेसिक शिक्षा के सिस्टम से जोड़ पाए और हमने लक्ष्य लिया है कि इस बार इस संख्या को 2 करोड़ से हमको पार लेकर के जाना है। और यह तब संभव होगा जब हम सब मिलकर के इस व्यवस्था के साथ जुड़े, हम सब स्वयं का दायित्व समझें कि हर एक बच्चा शिक्षा व्यवस्था से जुड़े।
इसीलिए हम सब आज इस स्कूल चलो अभियान के माध्यम से यहाँ पे इस कार्यक्रम का माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उनकी प्रेरणा से प्रारंभ कर रहे हैं। मैं सभी से एक बार पुनः आग्रह करता हूँ कि इस कार्यक्रम के सफल बनाने हेतु एक एक व्यक्ति जुड़े। मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि हम सब इस बेसिक शिक्षा परिवार के साथ मिलकर के अपनी इस शिक्षा विभाग को हर एक बच्चे के भविष्य को उज्ज्वल बनाने में अपनी जी जान को लगा देंगे। एक बार पुनः मैं इस कार्यक्रम में अपने हृदय से हमारे सभी छात्र छात्राओं का, सभी अध्यापक गणों का और माननीय मुख्यमंत्री जी का एक बार पुनः अपने हृदय से स्वागत करता हूँ और इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद साथियों। इसी के साथ आज भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शिक्षिका फातिमा शेख जी के 191वें जन्मदिवस पर हम उनको कोटि कोटि नमन और श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उन्होंने देश में बालिकाओं की शिक्षा के लिए पहल की, सावित्री बाई फुले के साथ मिलकर शिक्षा की अलग जगाई। मिलते हैं किसी और अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।